नमस्कार सभी को, थिंक इंडिया के सभी मित्रों को। और आज इस लेक्चर सीरीज में मैं अंबेडकर एंड द न्यू दलित के विषय पे कुछ प्रेजेंटेशन आप सबके सामने रखने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वी आर इन अ वेरी टफ टाइम एंड वी हैव टू रियलाइज दैट इन द टाइम्स टू कम द मीटिंग्स द कॉन्फ्रेंसेस द डिस्कशंस आर गोइंग टू बी ऑफ दिस नेचर ओनली। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयरिंग आर सेल्व्स, ऑल ऑफ अस आर एक्सरसाइजिंग प्रिकॉशंस, ऑल ऑफ अस आर स्टेइंग होम्स। सो एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर कमिंग अप with this excellent idea of having a discussion, of having a presentation on Ambedkar and his thoughts and his ideas in the build-up of Ambedkar Jayanti. As we all know, we are going to celebrate the 129th birth anniversary of the maker of our constitution and the leader of the country. I would not call him the leader of exclusively the depressed classes, as many of the historians have already said. In fact, I, for one, consider that it is one of the biggest travesty that we don't, we whenever we talk of Ambedkar, we try and restrict him towards his role in the drafting committee of the constitution, or his role in leading the causes of the depressed classes or the depressed communities. I think that is one of the biggest disservice that we have done. एक बहुत बड़ा अन्याय करते हैं जब हम लोग बाबा साहेब की बात जब भी करें तो उनको या तो वंचित समाज के नेता के रूप में या मात्र संविधान निर्माता के रूप में देखते हैं। मैं आप सभी युवा मित्रों से आग्रह करूंगा, आप सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप सभी को एक मिशन के तहत इस आइडिया को प्रमोट करना चाहिए कि भाई बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। ही वॉज एन एक्सेप्शनल इकोनॉमिस्ट, ही इज स्कॉलरशिप इन इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड इनफैक्ट इट वॉज हिम हु एंटिसिपेटेड द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड द चैलेंजेस विच माइट इमर्ज इन द रियल ऑफ फॉरेन पॉलिसी वंस इंडिया बिकम्स इंडिपेंडेंट कंट्री। So that is why the biggest challenge of the present generation, which I see, is that we, for political gains or probably driven by some agenda or some propaganda, what I realize that till now the academics have restricted him. So we should make an attempt to expand, in fact, expose what exceptional works that Ambedkar did in his lifetime. 5 अप्रैल से शुरू होकर के 14 अप्रैल तक का ये समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। खास करके जब हम लोग देखें, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जी की जयंती होती है। मित्रों, बाबू जगजीवन राम इज ऑल्सो एन एक्सेप्शनल फिगर इन द दलित हिस्ट्री, इन द दलित कॉन्शियसनेस। ही हैज बीन द ओनली दलित हु वेंट टू द लेवल ऑफ बिकमिंग डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड ही हैड दिस डिस्टिंक्शन ऑफ लीडिंग द कंट्री इन टू द वॉर विच वॉज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, द 1971 वॉर, द वॉर दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ कंट्री, द वॉर दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। एंड बाबू जगजीवन राम वॉज ऑल्सो वर्शिप्ड, ही एज वन वॉज एक्नोलेज्ड, वॉज रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट हॉकिश डिफेंस मिनिस्टर बाय द देन ग्रेटेस्ट डिप्लोमैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हेनरी किसिंजर। सो व्हेन आई से द एकादशी, एकादशी का बड़ा महत्व होता है हमारे सोच में, हमारे चिंतन में, तो क्या हम लोग इस माध्यम से ये प्रयास कर सकते हैं कि 5 अप्रैल को जब बाबू जगजीवन राम की जयंती होती है उससे एकादशी का प्रारंभ हो, और 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती होती है उस दिन एकादशी का अंत हो। तो 5 अप्रैल बाबू जगजीवन राम जी की जयंती, 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती, और बीच में
कल का दिन जो कि 11 अप्रैल था, और आप सब ने ध्यान दिया होगा, ज्योतिबा फूले, फूले वाज आल्सो अ टावरिंग फिगर. इनफैक्ट ही वाज वन हु इंट्रोड्यूस्ड एडुकेशन फॉर द डिप्रेस्ड कम्युनिटीज, एडुकेशन फॉर द वुमेन फोक्स. ही अलोंग विद सावित्रीबाई फूले लेड अ रेवोल्यूशन. और इन इस एकादशी के इस काल में हर वर्ष हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, इनफैक्ट हम लोगों ने कुछ वर्ष पहले ये प्रयास किया भी था कि दलित एकादशी के नाम पे ये प्रयास होना चाहिए. 5 अप्रैल को शुरू करके 14 अप्रैल तक हम लोग दलित समाज के ऐसे जो भी आइडल्स हैं, ऐसे जो भी हीरोज हैं, क्या इनकी चर्चा हम लोग, क्या इनका विमर्श हम लोग कर सकते हैं क्या इनमें? 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम, 11 तारीख को ज्योतिबा फूले, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती, और इसी माध्यम से इन आइकन्स के अराउंड हम लोग गैदर होकर के एक पॉजिटिव और एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं, इस पे हम लोगों को सोचना चाहिए. क्योंकि आप सबके सामने मैं संवाद कर रहा हूँ, और मैं इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक एज वेल कि जो दलित थॉट अभी चल रहा है, जो दलित एजेंडा अभी चल रहा है, उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. मैं अपने इस प्रेजेंटेशन में आपसे इस पे चर्चा भी करना चाहूंगा कि वर्तमान में क्या क्या इश्यूज हैं, डिस्कोर्स में क्या क्या नेगेटिविटी है, डिस्कोर्स में कुछ कुछ जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ पाते हैं. तो ये सब ऐसे मौके होते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती हो या किसी भी महापुरुष की ऐसी जयंती हो, हमें लगता है कि वी शुड पे आवर सैल्यूटेशंस, हमें नमन करने के साथ साथ, हमें उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ, इन मौकों पे ऐसी गोष्ठियां, ऐसे सम्मेलन, ऐसे संवाद ये होते रहे, इसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. मैं भी अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मैं पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक हूँ, आप लोगों ने देखा उस बायो में. तो इस माध्यम से कि भाई एक सकारात्मक संवाद कैसे हो, क्योंकि जब भी हम देखते हैं वी हैव रियलाइज दैट कास्ट हैज बिकम अ वेरी पोलराइजिंग इशू, कि जब भी जाति की बात होती है तो एक सकारात्मक संवाद संभव ही नहीं है. एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स, एक ऐसा संवाद जिसकी दिशा सकारात्मक हो, वो संभव ही नहीं है. हम जाने अनजाने में एक दूसरे के खिलाफ तलवार खींच लेते हैं, हम जाने अनजाने में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं, और बिल्कुल ही ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक सरलीकरण कर देते हैं. एक तो मेरा मानना है कि कास्ट इशू एक मल्टी लेयर्ड इशू है. अगर आप कहें कि भाई कास्ट इशू मतलब सिर्फ रिजर्वेशन, कास्ट इश्यूज मतलब आप रिजर्वेशन क्यों देते हैं लोगों को, अरे तो भाई रिजर्वेशन का एक हिस्टोरिकल फाउंडेशन रहा है. आज तक जब भी रिजर्वेशन की बात हुई है तब आपने देखा कि भाई एक प्रकार से ऐतिहासिक कॉम्पनसेशन का, ये हिस्टोरिकल कॉम्पनसेशन का जरिया रहा है. इसीलिए अंबेडकर जयंती ऐसे मौके हमें देती है जब हम समाज के रूप में एक साथ आए, और अभी जैसे कि लाइव के माध्यम से हम लोग एक साथ आए हैं, हम लोग इस इशू पे साथ में मिलकर के कुछ विमर्श करें, कुछ संवाद करें. मित्रों, मेरी ये शिकायत रही है कि जब भी अंबेडकर की बात होती है तो हम लोग उनके जो इंटरवेंशंस हुए हैं बहुत सारे एकेडमिक डिसिप्लिन्स में, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं. जैसे कि पॉलिटिकल फिलॉसफी में उनके जो इंटरवेंशंस थे, इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में उनके बहुत सारे इंटरवेंशन है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन पे या फिर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी हो, उनकी हाइपोथेसिस को हम लोगों को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए. कोलंबिया में उन्होंने जो पढ़ाई की है, उनके बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन है. इनफैक्ट अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है स्कॉलरशिप को आगे परस्यू करने में, मैं बिल्कुल आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अन्य अन्य डिसिप्लिन में उनके जो भी एनालिसिस रहे हैं हम सबको पढ़ना चाहिए, लिंग्विस्टिक्स में, एंथ्रोपोलॉजी में. इसीलिए वी शुड ऑलवेज ट्राई एंड एक्सप्लोर द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ बाबा साहेब्स पर्सनालिटी. दैट इज व्हाट एंड आई थिंक दैट इज द वे थ्रू विच वी कैन पे आवर रिस्पेक्ट, वी कैन पे आवर सैल्यूटेशंस टू द मैन. एंड नरेंद्र जाधव हु हैज रिटन अ बुक ऑन, हु हैज रिटन प्रॉब्ली मेनी बुक्स, बट ही हैज कंपाइल्ड टू वेरी वंडरफुल वॉल्यूम्स. वन इज कॉल्ड अम्बेडकर स्पीक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड अम्बेडकर राइट्स. In Ambedkar Speaks, he has combined all the speeches, all the observations made by Baba Saheb Ambedkar in his lifetime. And in Ambedkar Writes, he has combined all the writings. Although there is another phenomenal work which was previously done
which was undertaken by the state government of Maharashtra, that is called the Complete Works of Baba Saheb Ambedkar. So if you want to understand, if you want to delve into the deep scholarship, we can probably go and explore that as well. But we were talking of Narendra Jadhav and what has been his contribution, probably beyond. So he has termed Baba Saheb Ambedkar, he has called Ambedkar as an intellectual colossus. That is something huge. So ek aise intellectual jinka koi sani nahi hai, jinka unparalleled kaam hai, jinka unprecedented kaam hai. To is issue ko hum logon ko samajhna chahiye. To main aap sabse agrah karunga ki beyond hum log jaye, jo conventional ideas hain, jo sirf leader of the depressed classes log kehte hain, sirf vanchit samaj ke neta hain, aisa nahi hai. Women empowerment ke cause pe unka kafi phenomenal kaam hai, wo bhi hum logon ko research karna chahiye as a thinker. This is about him. And the second part of my presentation, where you have said the new Dalit and what are the issues that we confront today. Friend, in the last decade, in fact, the data published by National Crime Records Bureau, this is published by the Ministry of Home Affairs, it says that the decadal increase in the Dalit related atrocities has increased by 66%. 66% से दलितों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं. तो मेरा साफ तौर पे ये मानना है कि भाई ये सामाजिक विषय है और जो लोग भी इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास करते हैं उनके मन में किसी ना किसी प्रकार का एजेंडा, किसी ना किसी प्रकार का प्रोपोगेंडा रहता है. सो वी शुड फर्स्ट एनालाइज, वी शुड फर्स्ट बी क्लियर ऑन दिस फैक्ट दैट द दलित इश्यूज they are bereft from any political connotation, and whosoever tries to give it a political color has some or the other agenda in his or her mind. So this atrocities has increased, aur pichle bhi 7-8 varshon mein hum dekhe to Rohit Vemola ka ek mamla samne aaya Hyderabad Central University mein, Una ka ek mamla samne aaya. To isse ek baat to mitro spasht hai ki आप लोग प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जात पात में नहीं मानता, ये जाति क्या होती है, मतलब मैंने तो आज तक फॉलो ही नहीं किया है, हमारे दादा तो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे. तो इस प्रकार का पिटी दिखाना, मैं इसको इग्नोरेंस मानता हूँ. ये कहना कि मैं जाति व्यवस्था में नहीं मानता, ये कहना कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, दिस इज नथिंग बट कास्ट ब्लाइंडनेस. ये हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा. और एक हार्ड फैक्ट इसके पीछे का ये भी है कि अगर आप एक सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करें कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं जाति में नहीं मानता या फिर जो कास्ट ब्लाइंडनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉलो करते हैं, उनमें से मेजोरिटी या उनमें से 100% लोग फॉरवर्ड कम्युनिटी से होते हैं और वैसे लोग होते हैं जिन्होंने शायद ये सामाजिक विभाजन का दंश नहीं झेला. इसीलिए वी हैव टू रियलाइज दिस दैट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कास्ट ब्लाइंडनेस से हम लोगों को बचना चाहिए और जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई दिस इज अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज. जो आप ये कह रहे हैं ये भी एक प्रिविलेज स्टैंड पॉइंट है और ये कहना उचित नहीं है. जैसा कि अभी भी आप देखते हैं ऐसे मामले सामने आते हैं कि भाई तमिलनाडु का एक मामला आया कि एक दलित व्यक्ति ने हाथ में घड़ी पहन ली तो उसका हाथ काट दिया गया. मध्य प्रदेश में मामला आया कि भाई घोड़ी पे एक दलित व्यक्ति जा रहा था जिसकी शादी थी, दूल्हा था वो, और उसको लोग पत्थर से ना मारे इसके लिए उसने हेलमेट पहन लिया. ऊना का मामला हम सबके सामने है. अभी 3-4 दिनों पहले गुजरात का ही एक मामला आया जब हम लोगों ने देखा कि भाई एक दलित जोड़ी, दलित हस्बैंड वाइफ ने अपना जमीन किसी और को देने से मना कर दिया तो उनको जाति सूचक गालियां दी गई. अब आखिरकार ये कब तक चलेगा? This is something which is very important. We have to realize that there is a problem. और जो problem को ignore करते हैं वो ignorant हैं या फिर वो consciously करते हैं. This is something which is best avoided. I strongly feel. And especially among the youngsters, जो आजकल की युवा पीढ़ी है उनमें ये चेतना होना बहुत आवश्यक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई चेतना हमेशा एक negativity की तरफ ले जाए, ये चेतना से विघटनकारी शक्तियों को बल मिले, ऐसा नहीं है. But consciousness होना कि भाई कास्ट इशू का मतलब सिर्फ रिजर्वेशन नहीं है, कास्ट इशू का मतलब है कि भाई हाउ डू वी एंश्योर दैट देयर इज इक्वालिटी इन एवरीडे इंटरेक्शन. मित्रों मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं. मैं भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में रहा
मैं भी इनफैक्ट थिंक इंडिया का भी एक वॉलंटियर रहा हूँ अपने समय में। जब मैं नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में था तब ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे मेरे सामने भी। इसीलिए मतलब सिरे से इसको निकाल देना, सिरे से इंकार कर देना कि भाई जात पात की समस्या है ही नहीं, इसको मैं गलत मानता हूँ। फिर जो दूसरी भ्रांति आजकल चल पड़ी है कि भाई जाति का मतलब है आरक्षण, इससे भी हम लोगों को बचना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, वो कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। तो हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पैराफेरनेलिया है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, और जिसका पार्ट 90% से अधिक है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो हार्डली 8%, और उस 8% में भी जो रिजर्वेशन है वो आप जानते हैं 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, जनजातियों के लिए और वनवासी समाज के लोगों के लिए। तो सीधे कास्ट इश्यूज को रिजर्वेशन से भी रिलेट कर देना ये ठीक नहीं है, इसके हम लोगों को बियॉन्ड जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी, ये 2005 में किया गया था बाय एम एन देश पांडे। उसमें उन्होंने एक कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स को निकाला, CDI, और ये CDI में 5 इंडिकेटर्स थे। वो 5 इंडिकेटर्स क्या थे? लैंड होल्डिंग, ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड लाइफ स्टॉक। ये स्टडी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो जब अक्सर ये बात आती है कि भाई फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी रिजर्वेशन देना चाहिए, जो दिया गया है, इनफैक्ट पिछले ही वर्ष इसका प्रावधान किया गया कि भाई गरीब सवर्णों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मित्रों मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से कह दिया जाता था अरे आप तो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, अरे आप तो SC ST वाले हैं, तो रिजर्वेशन के साथ एक स्टिग्मा अटैच था। तो ये डी स्टिग्मेटाइज करने का काम हमारे भारत सरकार ने किया जब उन्होंने कहा कि भाई गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलेगा। तो ये देशपांडे स्टडी की मैं बात कर रहा था जिसका एक पब्लिकेशन है, अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है तो मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ। देशपांडे में ये कहा गया इस रिसर्च पेपर में कि कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स की जब मैपिंग की गई और इन 5 इंडिकेटर्स को भी जब देखा गया, देन द रिजल्ट्स दैट केम वर द ऑल इंडिया मैपिंग ऑफ द कास्ट डेवलपमेंट इंडेक्स रिवील्स दैट इन द अर्ली 1990s देयर वाज सब्सटेंशियल रीजनल वेरिएशन इन द स्टेटस ऑफ SC ST पॉपुलेशन बट इन नो स्टेट। ध्यान सुनिएगा, किसी भी प्रदेश में बट इन नो स्टेट ऑफ इंडिया वॉज देयर CDI हायर देन द टोटल ऑफ अदर्स। मतलब बेसिकली इस स्टडी में ये कंक्लूजन आता है कि भाई जो 5 मापदंड है जो मैंने बताया आप लोगों को, लैंड होल्डिंग जमीन की बात है, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है आपका, एडुकेशन शिक्षा किसकी कितनी है, ओनरशिप ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑफ लाइफ स्टॉक, इन 5 सूचकांक के आधार पे जब आप किसी का सामाजिक आर्थिक आकलन करेंगे, तो ऐसा देशपांडे की स्टडी में हुआ और उन लोगों ने पाया कि भाई किसी भी स्टेट में जो SC ST पॉपुलेशन है और जो नॉन SC ST पॉपुलेशन है उसमें काफी बड़ा फर्क है, काफी बड़ी खाई है। तो जब सामाजिक असमानता की बात होती है तो आर्थिक असमानता का भी आना वहां पे स्वाभाविक है। मित्रों मेरे ये कहने का अर्थ कतई नहीं है कि शेष समाज में या शेष वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, और इसी के मद्देनजर इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पिछले साल गरीब सवर्णों के आरक्षण की भी सुविधा लेकर के आई है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए। अक्सर बात होती है कि भाई मेरिट क्या है, मेरिट को लेकर के एक इशू आता है कि भाई मेरिट के आधार पे चीजों को होना चाहिए। तो इसमें मेरा मानना है कि मेरिट कम्स फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल कैपिटल। किसी भी मेरिट को एक रिलेटिव टर्म्स में हम लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति है, कोई मान लीजिए कि आरक्षण तो हो गया, आजादी के बाद से आरक्षण की सुविधा है हमारे संविधान में, अफर्मेटिव एक्शन एज यू ऑल नो दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, एंड गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स दे हैव समहाउ ट्राई टू स्ट्रेंथन द पॉइंट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। बट बियॉन्ड दैट जो एक एनवायरमेंट होता है, अब मैं सेकेंड जनरेशन बेनिफिशियरी हूँ रिजर्वेशन का,
और मेरे साथ का कोई व्यक्ति है जो 10 जनरेशन से किताबों में है, 11वें जनरेशन से पठन पाठन के काम में लगा है, मैं दूसरी पीढ़ी हूँ जो कि पठन पाठन के काम में लगे हैं, तो ये कंपैरिजन किस हद तक जस्टिफाइड है? इस पे एक कॉन्वर्जेशन, इस पे एक स्टडी, इस पे एक रिसर्च होना चाहिए कि 2 पीढ़ी वाला बेहतर या 10 पीढ़ी वाला बेहतर। ये तो एक स्टडी की मांग है, मुझे लगता है कि इस पे एक शोध, इस पे एक आकलन हम लोगों को करना चाहिए। तो एक प्रकार का एनवायरमेंट होता है, और इस आर्ग्यूमेंट को और धार देती हुई एक पुस्तक है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि पुस्तक आप लोग देखें। एक पुस्तक है, उसका नाम है कास्ट एज अ सोशल कैपिटल, जाति एक सामाजिक पूंजी कैसे है, और ये पुस्तक लिखा है प्रोफेसर आर वैद्यनाथन ने, जो कि IIM बैंगलोर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं फाइनेंस विषय के, और बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत पतली पुस्तक है। इनफैक्ट अभी लॉकडाउन का समय है, और अगर आप में से कुछ मित्र इंटरेस्टेड हैं इस इशू को समझने के लिए, इस इशू को जानने के लिए, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई किस प्रकार जो जाति होती है वो एक नेटवर्किंग का काम करती है। उन्होंने बताया कि भाई एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि राजस्थान का एक कम्युनिटी है पालनपुर जैन कहते हैं उनको। इस पालनपुर जैन समुदाय के पास लगभग ग्लोबल ट्रेड जो डायमंड का होता है उसका 80% हिस्सा है। हाँ मित्रों, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया कहिए इसको, फैक्ट कहिए इसको, 80% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड ऑन डायमंड्स, जो भी डायमंड का 80% व्यापार होता है, वो चाहे कटिंग का हो या सेलिंग का हो या शाइनिंग का हो या पॉलिशिंग का हो, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है। तो किस प्रकार एक कास्ट, किस प्रकार एक कम्युनिटी अपने लोगों को बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इनोवेशन में, इस पूरे इकोसिस्टम में एंकरेज करती है, हैंड होल्डिंग करती है, एक इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस देती है। अब मान लीजिए कोई दलित समाज का व्यक्ति है, वो व्यापार करना चाहेगा, तो उसके पास इतने ऑप्शंस नहीं होंगे। वहीं कोई पालनपुर जैन समाज का व्यक्ति है जिसके पास ऑलरेडी पूरा पैराफेर्निलिया है, उसके पास पूरी व्यवस्था है, उसको पता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर करना है, उसको पता है कि भाई मार्केटिंग के लिए कहाँ जाना है, उसको पता है कि भाई कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस मिलेंगे, क्रेडिट मिलेगा, बायर्स कहाँ हैं, सेलर्स कहाँ हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उसके पास है जो कि दूसरे जाति के पास नहीं है। सो दिस इज हाउ कास्ट वर्क्स एज अ सोशल कैपिटल एंड एज अ पॉलिटिकल कैपिटल, एक्सेस टू क्रेडिट एंड मार्केट। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट विच द फॉर्मर प्रोफेसर फ्रॉम IIM बैंगलोर मेक्स। So this is very important. Now, towards the last part of my presentation, I would like to focus on what are the solutions, because जाति को लेकर के भ्रम क्रिएट करने वाले, जाति को पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में अपने राजनीतिक लाभ के लिए बनाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स की बात तो सब लोग सरलता से करते हैं कि भाई एट्रोसिटीज है, एक्सक्लूजन है, डिस्क्रिमिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रिप्रेजेंटेशन एक इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आप देखिए कि आजाद भारत को लगभग 7 दशक हो गए हैं। इस 70 साल के इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं जहां अभी भी दलितों का और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज तक मित्रों भारत के इतिहास में कोई भी कैबिनेट सचिव दलित समाज का नहीं रहा है, कोई भी फॉरेन सेक्रेटरी दलित समाज का नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम आए, जहाँ की अभी इनफैक्ट एट्रोसिटीज केस में या जब भी दलित रिलेटेड कोई भी जुडिशियल प्रोसेस का मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी फोर्थकमिंग। सुप्रीम कोर्ट अपने दृष्टिकोण से एक निर्णय देता है। उस सुप्रीम कोर्ट में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे पर्याप्त मात्रा में सामाजिक विविधताएं नहीं है। There is no proper amount of social diversity in the bar and the bench side of the Supreme Court, and this is something which I see as a problem. This is deeply problematic. The one judge who became the Chief Justice of India from Dalit community was Justice K.G. Balakrishnan. उनके अलावा अभी वर्तमान में एक जस्टिस गवाई हैं। मतलब 70 साल के इतिहास में मात्र 2 ही न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में ऐसे रहे जो दलित समाज से आए। ये सोचना थोड़ा कठिन है कि भाई दलित आदिवासी समाज से लगभग 30-35 करोड़ आजकल पूरे देश में इनकी जनसंख्या है, उन 30-35 करोड़ में आपको आज तक 70 सालों में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला
जो ब्यूरोक्रेसी में टॉप पोजीशन पे, जो कि कैबिनेट सचिव का पोजीशन होता है, जो फॉरेन अफेयर्स पे टॉप पोजीशन पे, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी का पोजीशन होता है, जो जुडिशरी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज का पोजीशन होता है, और बार और बेंच में। इसीलिए इनफैक्ट सरकार का ये प्रयास था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो बिल आया था, या फिर अभी वो इशू चल रहा है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, कि किस प्रकार जुडिशियरी में एक सोशल डाइवर्सिटी का कंपोनेंट, एक सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करने की कुछ व्यवस्था की जाए, जो कि अभी नहीं है। इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो गवर्नमेंट की बात है, इस गवर्नमेंट के बियॉन्ड भी हम देखें कि भाई मीडिया में, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल। मित्रों 2005-06 की बात है, एक स्टडी हुई थी, उनियाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट थे पायनियर में, उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने बोला कि भाई जो मीडिया में भी क्रिटिकल पोजीशंस हैं, वहां भी जैसे एडिटर हो गए या टॉप डिसीजन मेकिंग पोजीशंस है, वहां भी 90% से अधिक सिर्फ एक ही कम्युनिटी है। मतलब फॉरवर्ड कम्युनिटी में भी दूसरे कास्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी है जिनका दबदबा है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब आप, हम लोग जब भी देखेंगे भाई किसी दलित व्यक्ति को मीडिया में लोकेट करने का प्रयास करें तो नहीं मिलते हैं। अब हमारे एंकर्स हो गए आजकल तो, मतलब बिल्कुल न्यूज मीडिया भी हम सब जान ही रहे हैं क्या हो गया है आजकल। दिस इज द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, एज ऑफ फेक न्यूज। सो मोर और लेस वी हैव वेरी फ्यू मिनिस्क्यूल दलित रिप्रेजेंटेशन और दलित इंटरवेंशन। तो जैसे मीडिया है, जैसे जुडिशरी है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई दलित पार्टिसिपेशन है ही नहीं। तो एक सेंस ऑफ एम्पैथी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहाँ से आएगा? इसीलिए अभी समय की मांग है कि एक कलेक्टिव प्रयास करना चाहिए कि भाई एक सोशल डाइवर्सिटी का कंपोनेंट। अब जैसे यूएस में व्यवस्था है डाइवर्सिटी की, वहाँ डाइवर्सिटी पॉइंट होते हैं, डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है, हर एक कॉरपोरेशन में आप जितने डाइवर्स लोगों को, हिस्पैनिक्स को, अपने अफ्रीकन अमेरिकन को आप जितना ज्यादा स्थान देंगे, उतना आपको डाइवर्सिटी इंडेक्स का आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा। वहां भी अफर्मेटिव एक्शन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा एक प्रावधान किया गया है। बट ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मीडिया, जैसे थिएटर है, आर्ट है, अपने स्पोर्ट्स है, सिविल सोसाइटी है, यहाँ पे भी हम लोग किस प्रकार से दलित रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं, इस बारे में भी हमें प्रयास करना चाहिए, इस बारे में भी सोचना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स तो है, बट सॉल्यूशंस बेस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कहाँ है ये देखना होगा हम लोगों को। क्योंकि मतलब प्रॉब्लम्स, मैंने भी अभी तक आपसे जो बात करी उसमें प्रॉब्लम्स की भी खूब बात हुई कि भाई सर आपने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस किस दिशा में काम हो रहा है, हम लोग को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहते हैं, आप बताइए। तो बिल्कुल मेरा आपका मानना है, मेरा मानना है कि भाई अब जैसे रिजर्वेशन में ही एक इम्पोर्टेंट इशू आता है कि भाई हम लोगों ने देखा है कि रिजर्वेशन में भी एक कास्ट या फिर एक फैमिली जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेती है और बाकी कम्युनिटीज को या बाकी फैमिलीज को रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मतलब ये आज के डेट में एक बहुत इम्पोर्टेंट समस्या है कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी है या एक ही फैमिली है। जैसे पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं कि भाई मौसम वैज्ञानिक के नाम पे फेमस हैं, अब उनको भी मतलब 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार मंत्री बन रहे हैं, क्या हैं। अब उनके बियॉन्ड भी रिजर्वेशन या अब खुद पार्लियामेंट में अपने परिवार से चार लोग पार्लियामेंट में, ऐसी प्रैक्टिसेस को मुझे लगता है कि हमें डिस्करेज करने की आवश्यकता है। राजस्थान से भी एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक समाज है जिससे मतलब ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग आए हैं। तो रिजर्वेशन के सारे फूड्स को एक ही समाज में रिस्ट्रिक्ट कर लेना, एक ही परिवार में रिस्ट्रिक्ट कर लेना, मैं इसको गलत मानता हूँ और इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब रिफॉर्म्स कैसे, रिफॉर्म्स की जरूरत है रिजर्वेशन में, ये हम सब जानते हैं। अब रिफॉर्म्स की आवाज कहाँ से आएगी? रिफॉर्म्स की आवाज मेरा मानना है कि विद इन द कम्युनिटी आनी चाहिए। अब विद इन द कम्युनिटी कैसे आए कि भाई अब किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, सब लोगों को अच्छा लगता है कि भाई गवर्नमेंट के हमें डोल्स मिल रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्यों कोई जाने देगा। बट मुझे लगता है कि एक तबका आज की डेट में, क्योंकि
70 साल हो गए हैं, 3 पीढ़ियां, जिस परिवार में 3 पीढ़ी तक आरक्षण का लाभ उठाया जा चुका है, मेरा ये साउंड बिलीफ है, दिस इज माई स्टेटेड बिलीफ दैट दैट फैमिली शुड फोरगो रिजर्वेशन। क्योंकि पिछले 70 सालों में हम लोगों ने नोटिस किया है कि एक दलित मिडिल क्लास भी एक इमर्ज हुआ है थ्रू रिजर्वेशन। गवर्नमेंट में, बैंक्स में, एकेडमिक्स में अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो उस वजह से एक मिडिल क्लास आया है। और उस मिडिल क्लास में कम से कम इस चिंतन की आवश्यकता करनी चाहिए कि किस प्रकार आने वाले समय में जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हों, जो हमारे लेस एडवांटेज्ड ब्रदरन हैं, जो हमारे समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ हमारे वजह से नहीं मिल पाया है, उनकी चिंता भी यदि हम लोग करें और इस रिफॉर्म की आवाज बेहतर होगी कि दलित समाज से आए, इस रिफॉर्म की आवाज बेहतर होगी कि वंचित समाज से आए, यह हमारा मानना है। अब अगर शेष समाज से आवाज आएगी, किस प्रकार का कॉन्फ्रंटेशन होगा, क्या कॉन्ट्रोवर्सी होगी, उससे बचने के लिए मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि विद इन द कम्युनिटी रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जो वॉइस हो विद इन द कम्युनिटी आए तो ज्यादा अच्छा है। एक अच्छा प्रयास हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश मित्रों एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जब भी दलित असर्शन की बात होती है तो आंध्र प्रदेश हैज ऑलवेज शोन द वे। अब पहला दलित चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश दामोदरन संजीवैया, पहला दलित लोकसभा स्पीकर, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि मीरा कुमार जी थी, बट पहले दलित समाज के व्यक्ति जो कि लोकसभा अध्यक्ष बने वो जीएमसी बालियोगी थे। और ये अपने एनडीए के प्रथम काल में जब पटेल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जीएमसी बालियोगी जी को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया था। आंध्र प्रदेश ही पहला ऐसा स्टेट था जहां पे ये बाइफरकेशन कि भाई जो कम्युनिटीज जो रिलेटिवली प्रॉस्पर कर गई हैं, जो कम्युनिटीज रिजर्वेशन का लाभ ले लिया है उन्होंने, उनमें एक बाइफरकेशन किया जाए, जैसे माला मदिगा का जो समाज जो एम्पावर हो गया था उनको एक डिफरेंट क्लास में ट्रीट किया जाए, और जिस समाज पे फोकस करने की, जिस समाज को अभी प्रायोरिटी देने की जरूरत है, उनको हम लोग अलग से रखें। बिहार में ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ, महादलित और दलित समाज का ऐसा दो विभाजन किया गया कि भाई जिस समाज में और आवश्यकता है तो ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे टू मेक द रिजर्वेशन बेनिफिट्स पेनिट्रेट मोर, समाज में जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उस तक आरक्षण का लाभ कैसे मिले, तो इस माध्यम से कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉजिटिव केसेस जैसे कि आंध्र प्रदेश में हमने ये देखा। अब खास करके हम लोगों के समाज में कुछ ऐसे पॉजिटिव आइकॉन्स भी आए हैं, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आप लोगों का परिचय उन लोगों से भी कराऊं। अब जैसे मिलिंद कांबले जी हैं, मिलिंद कांबले जी ने 2005 में बहुत अच्छा मूवमेंट शुरू किया, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हम लोग उसको DICCI के नाम से जानते हैं। और 2015 में जब 10 वर्ष हुए थे इस मूवमेंट को, तो दिल्ली के विज्ञान भवन में आपको कल्पना कर पाना, किसी को भी कल्पना कर पाना कठिन होगा, उस विज्ञान भवन में उस दिन दलित और आदिवासी समाज से लगभग 2500 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स आए थे। देखिए, मतलब जो समाज एक समय कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टूर्स के विदिन सोचता था, जो समाज ये सोचता था कि भाई पढ़ लिख लें, आरक्षण पालें, नौकरी पालें, सरकार में कोई अवसर मिल रहा है तो उसको ग्रैब कर लें और बैठ जाएं, बिजनेस करने के बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो मिलिंद कांबले जी ने दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स बना करके एक ऐसा इनफॉर्मल नेटवर्क खड़ा किया जिसमें तब 2015 में 2500 लोग थे, और आज के डेट में मित्रों 5000 से अधिक SC ST समाज के एंटरप्रेन्योर्स हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका टर्नओवर 100 करोड़ का है, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ का भी है। मकवाना जी ने गुजरात के दलित समाज से आते हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उनका टर्नओवर 1000 करोड़ का भी है। तो दलित समाज में भी ऐसे केसेस हैं। अब हमें आइडलाइज किसे करना है, टीना डाबी, कनिष्क कटारिया, हिमा दास जिनको अभी मेडल मिला था, कल्पना सरोज, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि अपने बल पे सामने आए हैं। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोड, अब अफर्मेटिव एक्शन को मैं कहीं भी उसकी नीड को डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं,
लेकिन हमारे समाज के लोगों के पास भी ऐसे अनेकों अनेक अवसर हैं जहां हम लोग एक्सेल कर सकते हैं, जहां हम लोग अच्छा कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव स्टैंड है। और एक दूसरे तरफ एक धारा चल रही है, भाई हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अब उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपने लेयर्स हैं। अब गुजरात में है जिग्नेश मेवाणी जी, चंद्रशेखर रावण जी, अब अपने नाम पे ही उन्होंने राजनीतिक दल बना लिया है। अब देखो ये आकर्षित तो करता है सभी को, वो नीला गमछा पहनना, लाठी लेकर के चलना, बट ये सॉल्यूशन बेस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दे पाता है क्या? कि हमें सोचना पड़ेगा कि समाधान कहां से निकलेगा। देखो विवाद करने वाले समाज में आप तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। आप सड़क पे ही निकलिए, कुछ आप ऐसा नेगेटिव हंगामा करिए, कुछ हल्ला करिए, कुछ मारपीट करिए, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और एक तरफ जो आप साइलेंटली काम करिए समाज के लिए, आप डेडिकेटेड होकर के काम करिए समाज के लिए, जैसा कि दिखाया है मिलिंद कांबले जी हो, हिमा दास हो, टीना डाबी हो, गणेश कटारिया हो, कल्पना सरोज हो, इन लोगों ने दिखाया है। अब इन लोगों को जो इमीडिएट लोकप्रियता नहीं मिलती है, लेकिन इनका काम काफी लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दो धाराएं हैं, एक धारा जो कि पॉजिटिव धारा है, जो कि कंस्ट्रक्टिव और एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच की तरफ काम कर रहा है, एक धारा है जो पूरी की पूरी नेगेटिविटी में है, जो कि मतलब हर विरोध प्रदर्शन में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, जहां पे जरूरत है वहां अपना विरोध दर्ज कराना बहुत आवश्यक है, लेकिन जहां पे समाज को तोड़ने की बात हो, देश को तोड़ने की बात हो, वहां पे हमारा समाज का युवा कितना आकर्षित हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसकी हमें और आकलन करनी चाहिए, उसका हमें और विश्लेषण करना चाहिए। अब अपने समाज पे आपने पार्टी बना लिया, मतलब ये मुझे उचित नहीं लगता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा आजाद समाज पार्टी, देखिए राजनीति करना है उस बिल्कुल कर सकते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना भी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात भी की गई है। अब ऐसे मूवमेंट किस हद तक सस्टेनेबल होंगे, कहां तक सस्टेनेबल होंगे, ये तो अब समय बताएगा। बट साइलेंटली भी अपने समाज के हितों के लिए आप समाज को फोकस में रख के, समाज के को प्रायोरिटी में रख के आप काम कर सकते हैं, जैसा लोगों ने सक्सेसफुली दिखाया है। अब किस प्रकार आपको ये सोशल डाइवर्सिटी, अब जो मैंने कहा आपको कि इस दिशा में ये सोल्यूशन है कि भाई आप अपने इंस्टीट्यूशंस में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्रकार का सोशल डाइवर्सिटी कैसे लेकर के आए, आप ये सोचना पड़ेगा। जैसे मित्रों मैं भी नेपाल गया था एक स्टडी टूर पे, नेपाल में अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है और काफी जद्दोजहद के बाद, काफी संघर्षों के बाद, काफी कॉन्वर्जेशन के बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन ने फाइनल रूप दिया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इनोवेटिव और यूनिक वेज आए हैं इंक्लूजन के लिए। अब फॉर दैट मैटर उस नेपाली संविधान में ये बात कही गई है कि राजनीतिक दलों में भी, राजनीतिक दलों के ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सोशल डाइवर्सिटी कैसे रिफ्लेक्ट हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, अब जितनी फैमिली बेस्ड एंटरप्राइजेस हैं हमारे स्टेट्स में, वो चाहे आप तो बिहार में देख लीजिए यादव फैमिली है, अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मतलब एक तो इनका अंत तय है, मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये लोग बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। बट ये किस प्रकार, अब आप अपने ही परिवार पे, आप शुरू हुए थे जमात से, फिर जात पे आए और फिर परिवार पे आकर के आप रुक गए, ये सिस्टम ठीक नहीं है। देखो अब मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ और सबके पास अपना डेमोक्रेटिक असर्शन करने का अधिकार है, बट ये तो आप एक प्रकार से लोकतंत्र को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मैं आजीवन प्रेसिडेंट बना रहूंगा। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने संविधान में जो आए तो थे बड़े लॉफ्टी आइडियाज के साथ थे कि नहीं भाई हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी का पालन करेंगे, और ये छोटी पार्टियों में और बड़ी पार्टियों में भी, इनफैक्ट कांग्रेस में भी हम देख लें क्या चलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में सोशल डाइवर्सिटी, सामाजिक विविधता कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए नेपाल ने हमें एक रास्ता दिखाया है। नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होते हैं, मसलन उदाहरण स्वरूप आप कहिए कि भाई जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है या जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो पार्टियों का इलेक्शन कमीशन है, उसमें भी जनसंख्या के अनुपात से कि भाई जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात से लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए कि भाई अब 40% 45% कास्ट सेंसस अभी तक हुआ नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की मांग चल रही है, बट एक टेंटेटिव आइडिया तो सभी को है कि भाई 25% से 30% देश में दलित आदिवासी समाज के लोग हैं, 50% के आसपास ओबीसी समाज के लोग हैं,
तो इस अनुपात में या मतलब प्रयास तो करें कि भाई लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ऐसा नहीं हो पा रहा है। यूनिवर्सिटीज में भी कमी है, थिंक टैंक्स में भी कमी है, मीडिया में भी कमी है, जैसा हम लोगों ने कहा। तो एक कलेक्टिव ऐसा एफर्ट हम लोगों को लेना चाहिए, एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि जो संस्थाएं जो मायने रखती हैं, द इंस्टीट्यूशंस दैट मैटर, द इंस्टीट्यूशंस दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर नरेटिव बिल्डिंग, जो डिस्कोर्स बिल्डिंग में लगे हुए हैं, उसमें हस्तक्षेप कैसे हो, समाज में बिल्कुल अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसके पास वॉइस नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं है, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और ये किसी भी, जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बीच में भी कहा कि भाई ये किसी राजनीतिक दल या किसी सत्ता शासन का नहीं है, समाज से ही इसकी आवाज आनी चाहिए। और बिल्कुल अभी जैसे मैं तो पूरे देश में जाता हूँ और इन विषयों पे अपनी बात रखता हूँ, मुझे मौका मिलता है बहुत सारे प्लेटफॉर्म से अपनी बातों को रखने का। तो मैंने भी महसूस किया है कि पिछले 3-4-5 वर्षों में एक सामाजिक चेतना, एक कहिए सोशल कॉन्शियसनेस एक आई है हम लोगों में, कि किस प्रकार अब पहले तुरंत ही मतलब जाति मतलब आरक्षण, अरे आरक्षण की बात करने वाला है, इनको हटाइए यहाँ से, आप किसी और को लेकर के आइए, ये मतलब कितनी रिग्रेसिव बातें कर रहा है, कोई सोशली प्रोग्रेसिव बात करने वाले लोग को आइए। लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि समाज में भी, छात्रों के बीच भी, यूनिवर्सिटीज में भी और लीडरशिप में भी, जितने भी टॉप सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेक्शन ऑफ लीडरशिप है, मैं कहूंगा कि भाई माइक्रोस्कोपिक ही सही, लेकिन एक सेक्शन ऑफ लीडरशिप है, पीपल हु आर ओपन टू सच आइडियाज, पीपल हु आर विलिंग टू लिसन टू यू, पीपल हु रियलाइज कि नहीं भाई गलत हुआ है और इसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है, समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे करना है। तो एक सॉल्यूशन बेस्ड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कास्ट को लेकर के कैसे हो, इसकी चिंता हम सबको करनी चाहिए। और मैं आशान्वित हूं, मैं एक आशावादी व्यक्ति हूं, और मैंने तो खास करके अपने अनुभव में ऐसा महसूस किया है कि भाई अब मैं अपने विश्वविद्यालय में जाता हूँ, विश्वविद्यालय में मैं देखता हूँ कि किस प्रकार विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें भी एक जातिगत भावना तो है। मित्रों, आज भी जो विश्वविद्यालय के छात्रावास हैं वो भी कमोबेश जाति के आधार पर ही बटे हुए हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कास्ट लाइन। सो हाउ आर वी गोइंग टू एड्रेस दिस इश्यूज, कास्ट ब्लाइंडनेस इसका उपाय नहीं है। मैं जाति में नहीं मानता, लेट कास्ट गो अवे, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। मित्रों, हम लोग भारतीय समाज के एक अटूट अंग है, भारतीय समाज का अटूट हिस्सा है, जाति हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जाति जो है यथार्थ है, कास्ट इज अ रियलिटी इन आवर सोसाइटी। अब जातिवाद व्यर्थ है, जो कास्टिज्म है वो जरूरत नहीं है, वो एक प्रकार का ब्रुटैलिटी और नहीं होना चाहिए। बट इसके अलावा भी जाति यथार्थ, जातिवाद व्यर्थ, लेकिन जो हिंदू है वो समर्थ है, हिंदुइज्म इज स्टिल फुल ऑफ चैरिटीज। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भ्रांतियां आई हैं, जिस प्रकार के सोशल या ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन हुए थे, अब डिबेट ये भी चलता है कि भाई वो क्लासिफिकेशन बर्थ के आधार पे था, वो क्लासिफिकेशन ऑक्यूपेशन के आधार पे था, अब ये तो बिल्कुल जो अपने थियोलॉजिस्ट हैं या जो हिस्ट्री के स्कॉलर्स हैं वो लोग इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, मेरी अपनी भावना है कि एक सकारात्मक प्रयास हो, एक पॉजिटिव एफर्ट हो इस दिशा में, और इसलिए इस अंबेडकर जयंती पे मैं ये प्रयास करूंगा। मैं आपसे से आग्रह करूंगा कि भाई एक नए सिरे से हम लोग इस इशू को देखें, एक नए सिरे से हम लोग बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब को मात्र दलित समाज वंचित समाज के नेता के रूप में ना देखें, बल्कि हम लोग इनको एक प्रकार से सर्व समाज के नेता के रूप में देखें, हम लोग इनको एक इकोनॉमिस्ट के रूप में देखें, हम लोग इनकी स्कॉलरशिप का अध्ययन करें, हम लोग इनके इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ें, हम लोग इनके फिलॉसफी को देखें, इनका फिलॉसफी में क्या क्या इंटरवेंशन रहा है उसको देखें। और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरा मानना है कि जैसे अभी कोरोना का संकट चल रहा है और हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में जो संभव हो, कम से कम मैं आपके माध्यम से, थिंक इंडिया के माध्यम से आज ये अपील करना चाहूंगा कि भाई 14 अप्रैल को सोशल मीडिया पे ही एक गरीब व्यक्ति को या एक गरीब परिवार को आप भोजन दें, सम्मान दें, और उसको करके मतलब आप समझिए कि आप बाबा साहेब अंबेडकर को भी आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं आप सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस अंबेडकर जयंती को, जब हमारा समाज, हमारा देश इस संकट काल से उभर रहा है, हम सब एक वंचित समाज के व्यक्ति को, एक वंचित परिवार को, जो कि हमारे कम्युनिटी में कहीं भी हमें मिल जाएंगे,
थोड़ा हम लोग कुछ उनको सम्मानित महसूस कराएं, कुछ हम लोग उनको भोजन उपलब्ध कराएं, कुछ जो भी उनकी कमी है एक दिन कम से कम हम लोग, हम सब युवा युवा वर्ग के लोग, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सब जहां कहीं भी हो इस अम्बेडकर जयंती पे बाबा साहब का नमन करते हुए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस गरीब व्यक्ति के पास जाएं, थोड़ा समय बिताएं और सदा संभव जो भी अपने से संभव हो, जो भी हम लोग सक्षम है उतनी सहायता हमें करनी चाहिए। और मित्रों थिंक इंडिया से तो मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और फॉर मी इट्स लाइक अ होम कमिंग। मैं कह सकता हूँ कि भाई इसकी शुरुआत जब हुई थी 2006-07 में, मैं भोपाल में था, नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में, और आशीष जी जो अभी अध्यक्ष हैं, आशीष जी संगठन मंत्री हैं, आशीष जी के साथ हम लोगों ने थिंक इंडिया की शुरुआत के समय में खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोगों ने साथ में करी थी छात्र शक्ति भवन में। तो मेरे लिए एक बहुत सम्मान का विषय है, इट वॉज ट्रूली एन ऑनर टू कम एंड स्पीक विथ ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू हैव एनी ऑब्जर्वेशन, यू फील फ्री टू रीच आउट टू मी, यू फील फ्री टू राइट टू मी। मेरे पास ईमेल एड्रेस आप मेरा ले सकते हैं या फिर फेसबुक के माध्यम से भी आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। और बिल्कुल आप मेरे कुछ बातों से सहमत होंगे, असहमत होंगे, एक ये संवाद हमारा चलता रहे। और पुनः मैं थिंक इंडिया को बधाई दूंगा कि ये अम्बेडकर जयंती के बिल्डअप में आप लोगों ने ये लेक्चर सीरीज का आयोजन किया, और इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, जय भीम जय भारत, प्रणाम।